हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार कौन सी है? और हाँ, यहाँ मैं कोई फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पूरे इतिहास की बात कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडिया के पूरे इतिहास में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार कौन सी थी? नंबर 5 पर है टाटा इंडिका, और इस कार के अभी तक पूरे इंडिया में 15 लाख यूनिट बिक चुके हैं। नंबर 4 पर है हुंडई सेंट्रो कार, और इसके अभी तक 13 लाख यूनिट सेल हो चुके हैं। नंबर 3 पर है मारुति सुजुकी 800, और आपको तो पता ही है इस कार ने इंडिया का रुख बदल दिया था। कार्स के मामले में तो इस कार को आने के बाद इंडिया में तहलका ही मच गया था, और पूरे इंडिया में कार्स की सेल अचानक से बढ़ गई, और इसकी अभी तक 27 लाख यूनिट सेल हो चुकी हैं। नंबर 2 पर है मारुति ओल्टो, यह इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कारों में से एक है, और इसीलिए अभी तक ये 39 लाख ओल्टो बिक चुकी हैं। नंबर 1 पर आती है हिंदुस्तान एमएसडी, इंडिया की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक है, और यह कार इंडिया के सबसे पहले 4-व्हीलर गाड़ियों में से एक है, और इस कार को बनाया था हिंदुस्तान मोटर्स ऑफ इंडिया ने। इस गाड़ी को किंग ऑफ इंडियन रूट्स भी कहा जाता था, और यह कार 40 लाख यूनिट बिकी थी। यह गाड़ी 60 साल चलने के बाद 2005 के आसपास यह गाड़ी चलना बंद हो गई।